पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने वेक्टर का एडिशन सीख लिया है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीख लिया है और आज हम बात करेंगे रिजोल्यूशन, ठीक है, यानी रिजोल्व करना। वेक्टर को रिजोल्व करने का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि वेक्टर को मोर देन टू और थ्री कंपोनेंट में तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, काफ़ी सिंपल है। देखिए क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स सच दैट ऑन एडिशन इट विल गिव द ओरिजिनल वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम किसी वेक्टर को दो और इससे ज़्यादा कंपोनेंट में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि जब उन कंपोनेंट को वापस जोड़े तो हमको ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर हम जस्ट उल्टा काम करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम दो वेक्टरों का हम रिजल्टेंट निकालते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट को तोड़ेंगे उसके कंपोनेंट में। आई बात समझ में, टू और मोर कंपोनेंट में उसको तोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा डायरेक्शन है इसका। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज एक वेक्टर है ये आपका एफ मान लो इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, सिंपल डायग्राम ऐसा होगा। सपोज ये वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है एफ, और इस एफ को मेरे को तोड़ना है इसके कंपोनेंट में, रिजोल्व करना है, ठीक है। तो उसमें हम इसको कैसे तोड़ते, देखिए हम क्या लिखते हैं, इस एफ को एक एक्स एक्सिस में तोड़ेंगे और इसको एक वाई एक्सिस में तोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ना स्टूडेंट्स कि जो वेक्टर होता है, सपोज अगर पी वेक्टर, चलो एफ का ही बनाते हैं, सपोज एफ है तो ये एफ का ही वेक्टर होगा, ठीक है। मतलब ये जो रिजल्टेंट है तो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या होगा, ये एफ वेक्टर होगा, यानी फोर्स का ही कंपोनेंट होगा, ये रिजल्टेंट का ही बोला कि ये फोर्स को जुड़ के ये बना होगा ना, एफ बना होगा, ठीक है। और यहाँ भी दूसरा फोर्स, सपोज इसको एफ टू बोल दो तो ये इसको एफ वन बोल, ठीक है। एफ टू क्या होगा, एफ टू से ही ये मिलके एफ बना होगा, ठीक है। आप ये तो समझ गए होंगे ना स्टूडेंट्स, यानी हम जब वहाँ पर हम पी और क्यू को जब जोड़े थे तो हमको क्या मिला था, रिजल्टेंट आर मिला था। तो यहाँ पर भी एक एफ वन वाला वेक्टर यहाँ होगा एक्स एक्सिस में, और एक एफ टू वाला वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। यानी जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे एफ मिल जाएगा, ठीक है। हम अब इस रिजोल्यूशन में क्या करेंगे, हम जस्ट उल्टा काम करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं कि जो एफ है इसको तोड़ के एफ वन और एफ टू, इसको हम एफ वन और एफ टू में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इसको परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो इस ये क्या है स्टूडेंट हमारा, ये है आपका परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो मैं कह सकता हूँ ना यार लाइन भी क्या होगी, सेम होगी, तो इसको मैं एफ टू बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले ये वाला वैक्टर फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर वाला वैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इजली स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने कर रखा है एफ इज इक्वल टू, फिर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ अगर एफ है, यहाँ मैंने इसको एफ लिख दिया, ठीक है, ये एफ का ही है, ये एफ लिख दिया, और यहाँ भी एफ लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी एफ हो जाएगा, ठीक। अभी स्टूडेंट मैं इसको एफ लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल एफ एफ लिख दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ये पैरेलल है तो यहाँ भी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बेसिकली क्या करना है, ए डी फाइंड करना है, ठीक है। अगर ए डी फाइंड कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो वेक्टर है क्या है, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और ये फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी और सी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो इसके इक्वल होगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, ये वाला वेक्टर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी, ठीक है, ट्रायंगल चैनल में क्या कर रखा है, ए सी डी, तो ए सी डी, ओके, पहले इन्होंने ये वाला वेक्टर फाइंड कर रखा है, ये वेक्टर फाइंड करने का मतलब ये वेक्टर फाइंड कर रखा है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि एंगल भी यहाँ पर बना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ना, आप क्या लगाओगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, डी और सी। तो डी सी की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं लिखूँगा ट्रायंगल ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी में मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ए सी डी, तो देखिए ए सी और डी, ठीक है, ए सी डी। तो इसमें थोड़ा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले इसने ए डी फाइंड कर रखा, ठीक है, ए डी, तो ए डी कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ए डी इज इक्वल टू का आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि एफ तो मेरे को पहले पता था ना रिजल्टेंट, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जब करूँगा, यहाँ पर देखो इसने ए डी अपॉन एफ कर रखा है, यहाँ पर इसको बेस आप अपने हिसाब से समझिएगा स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ये रिलेशन होता है कॉस का, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है आपका, ए डी है यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूस कितना है, एफ है, ठीक है। तो देखिए एफ को मैं अगर इसके साथ भेज दूंगा तो ए डी कितना मिल जाएगा मेरे को, तो ए डी मिल जाएगा मेरे को एफ कॉस थीटा,
ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने फाइंड आउट कर दिया ना ए डी, तो ए डी कितना हो गया एफ कॉस थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसके लिए भी कहूँगा मैं यही टेक्निक। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए ट्रायंगल ए बी सी कहाँ है, ट्रायंगल ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल देखा ठीक है स्टूडेंट, ये वाला ट्रायंगल। अब स्टूडेंट देखिए मेरे को ये निकालना है, ये एफ निकालने का मतलब मैंने ये निकाला, फिर मैं इसको क्या करूँगा आपस में इक्वल लेता हूँ, उसको मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखिए इसमें क्या है ट्रायंगल ए बी सी ठीक है, तो स्टूडेंट ए बी सी कहाँ है ट्रायंगल ए बी और सी ठीक है, ए बी सी, या आप स्टूडेंट अगर आप चाहो तो यहाँ से लिख दो ए डी सी, क्योंकि मेरे को ये निकालना था क्या लिखूंगा डी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ठीक है, तो क्या करूँगा स्टूडेंट्स डी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हालांकि मैंने ऐसे लिखा आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या था, डी सी अपॉन किसी अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एफ आई इक्वल टू होता है साइन थीटा होगा ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो यहाँ से क्या निकलेगा जो डी सी होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ साइन थीटा ठीक है, ये पता चल गया आपको ठीक है। तो डी सी की वैल्यू क्या होगी, जो डी सी की वैल्यू यानी डी सी की वैल्यू क्या है एफ साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा एफ कॉस थीटा ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो ठीक हो गया। और ये स्टूडेंट क्योंकि पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, ये भी होगा आपका एफ साइन थीटा ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एफ साइन थीटा, यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा होगा, और एफ का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी एफ कॉस थीटा ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, इस रिजल्टेंट वेक्टर को, इस रिजल्टेंट वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा में मैं इसको रिजॉल्व कर दिया ठीक है, इसको रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और अब देखिए स्टूडेंट्स को मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना वापस तो मेरे को ये मिल जाएगा वापस ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताया था अगर निकाल के दिखाता हूँ, अगर इन दोनों को जोड़ के दिखाता हूँ ठीक है, तो इसमें उनको जोड़ने का मतलब ये होता है यहाँ पर हम कैसे देखिए, ये आपको ये पता है, ये आपको पता है बेस पता है और ये परपेंडिकुलर पता है, तो ऑब्वियसली क्या लगेगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बट यहाँ पाइथागोरस नहीं बोलते इसको, यूज़ वैसे करेंगे इसमें ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू होता हमारा, इसको बोलते हैं मॉड निकालना ठीक है, मॉड निकालना बोलते हैं, तो मॉड निकाल देंगे इन दोनों का, तो देखिए वापस मेरे को क्या मिल जाएगा एफ मिल जाएगा ठीक है, देखते हैं एक बार ठीक है, आएगा एफ स्क्वायर ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस पूरा ब्रैकेट के अंदर का प्लस एफ साइन स्क्वायर कॉस, सॉरी स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स एफ, ये आ जाएगा आपका एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, तो यहाँ पर मॉड एफ इजिकल टू आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एफ स्क्वायर आ जाएगा ठीक है, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर इसमें समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही कॉमन लेंगे एफ, यहाँ आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और एफ स्क्वायर को हम बाहर रख सकते ठीक है, तो एफ मॉड ऑफ एक मॉड ऑफ जो एफ होगा वो कितना होगा एफ आ जाएगा ठीक है, तो सेम आ गया ना स्टूडेंट्स ये वेक्टर आ गया ठीक है, तो ये मिल गया जो मेरे को मिला स्टूडेंट्स वो क्या आपका वो अगेन रिजल्टेंट मिल गया ठीक है, तो यही इसमें होता है स्टूडेंट कि हम रिजोल्यूशन में क्या करते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको वापस उसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं, और कंपोनेंट को जब जोड़ेंगे तो हम उसको फिर रिजल्टेंट बन जाएगा ठीक है, यही आपका डेफिनेशन भी है ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है आपको समझाने के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन के लिखा है ए इज इक्वल टू 20 दे रखा ठीक है, यानी जो मेन वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू आपकी 20, फाइंड करना आपको उसे कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई ठीक है, ऐसी क्वेश्चन भी आएगा आपका। देखिए ए वेक्टर को मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे, और अच्छा एंगल भी दिया होगा, चलो इनके बीच में एंगल दिया होगा, चलो थीटा भी दिया होगा, यहाँ पर 60 डिग्री दे देगा ठीक है, तो एंगल 60 डिग्री दे दिया और ए वेक्टर ये है ठीक है, और उसके कंपोनेंट आप देखिए स्टूडेंट कंपोनेंट कैसे करेंगे आपको, इस ए का, इस ए का जहाँ पर एंगल होगा ना स्टूडेंट याद रखिए, जहाँ साइड एंगल होगा वहाँ हमेशा कॉस थीटा होता है ठीक है, ये एंगल है ना यहाँ पर, ये एंगल बन रहा है 60, तो यहाँ साइड क्या होगा हमेशा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में क्या होगा हमेशा ए साइन थीटा ठीक है, मतलब ए ए तो जो आपका जिसका आपको कंपोनेंट कर रहा है वो लिखेंगे, यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, एफ होगा तो एफ लिखेंगे ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इस ए का, इस ए का जहाँ साइड एंगल होगा ठीक है, एंगल यहाँ होता तो यहाँ कॉस हो जाता ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ जहाँ पर एंगल है उसके साथ में कॉस, और एंगल इस लाइन के यानी इस वेक्टर, ये वेक्टर है ठीक है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होगा हमेशा साइन वाला होगा ठीक है कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, जब ए था तो ए वेक्टर आपका इसकी वैल्यू 20 होगा ठीक है, जो आपको क्या कर रहा है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता रहा होगा इन दोनों के ठीक है, इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता रहा होगा 20 इसकी वैल्यू ठीक है, और एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है ओके, और तो आपको क्या निकालना है
रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये निकालना, अच्छा फाइंड ए एक्स और रिजल्ट, फाइंड आपको निकालना है ए एक्स, ये ए एक्स ले लो और ए वाई ले लो, ठीक है। सो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, सुनिए देखिए, तो ए एक्स इज इक्वल टू लिखा है आपका ए एक्स, आपने कंपोनेंट करना आ गया होगा, तो ए एक्स कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60, तो 60 रख दिया, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स इज इक्वल टू, अच्छा तो ए का इधर वाला कंपोनेंट हमेशा देखिए ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 20, यहाँ पर 20 रख दूंगा, 20 कॉस थीटा कितना है 60, सॉल्व करेंगे 20 कॉस 60 वैल्यू 1/2, 2 से 2 का जो 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी ए एक्स की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर आप इसको 10 पे लिख दो, ठीक है। ये 20 था तो 10 का है, इस 20 का ये वाला रिजल्ट, ये वाला कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसका ये कंपोनेंट सॉल्व करते हैं, ए वाई इक्वल टू, ए की वैल्यू आपकी 20 दे रखी है तो 20 रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू 60, तो 60 वैल्यू तो 1/√3/2 होती है, ठीक है। 20 × √3/2, तो 2 से 10 टाइम्स कट गया, तो 10√3 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम एक बार चेक करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके, वापस रिजल्टेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने किया भी है, तो इसका मॉड निकाल देंगे आप, तो मॉडुलस निकालेंगे जब हम इसका, तो क्या होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10 का स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 10√3 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का तो हर जगह आपका 100 आ जाएगा, इसका आएगा तो वहाँ 10 × 100 × √3 का आ जाएगा 3, 10 × 3 = 300, 300 × 100 = 400, तो 400 का जो रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 20। तो ये आ गया ना स्टूडेंट्स वापस रिजल्टेंट, तो यही होता है स्टूडेंट्स क्या होता है ये रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टरों को ब्रेक करना उसके छोटे कंपोनेंट में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।